दोस्तों हमारी पृथ्वी पर कई ऐसी खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखने के बाद हमें विश्वास ही नहीं होता कि इस दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत जगहों से रूबरू करवाएंगे। नंबर 10, उलुरु ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपने गिरगिट को रंग बदलते देखा होगा और इंसान का स्वभाव भी बदलते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसी पहाड़ी देखी या सुनी है जो समय के साथ अपना रंग बदलती है? ऐसा सोचना थोड़ा अटपटा जरूर लगता होगा, लेकिन ये सच है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित इस पहाड़ी का नाम उलुरु पहाड़ी है। रंग बदलने वाली इस पहाड़ी को यूनेस्को ने विश्व की धरोहरों में भी शामिल कर रखा है। इस पहाड़ी के रंगों में ये बदलाव सुबह और शाम के समय दिखता है। जब सुबह सूरज की किरण इस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि इस पहाड़ी पर आग लगी हुई हो, और शाम के वक्त अनोखी बैंगनी परछाइयां नजर आती है। सुबह से लेकर शाम तक इस पहाड़ी का रंग कभी पीला, कभी नारंगी, तो कभी लाल हो जाता है। कभी ये पहाड़ी बैंगनी रंग की दिखती है। इस पहाड़ी का रंग बदलना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये पहाड़ी बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन से बनी है। इस पत्थर के विशेष संरचना के कारण ही इस पहाड़ी पर ये अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। नंबर 9, विक्टोरिया फॉल्स। दोस्तों हमारी दुनिया को प्रकृति ने कई ऐसी खूबसूरती दी है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि काश ये पल यहीं ठहर जाए। इस खूबसूरती में एक नाम विक्टोरिया फॉल्स का भी आता है, क्योंकि यहाँ जाने वाले बिना भीगे लौट नहीं सकते, क्योंकि इस झरने से उड़ती पानी की बूंदे दूर दूर तक जाती है, और जब ये बूंदे हमारे चेहरे से टकराती है उस वक्त का एहसास कुछ और ही होता है। वैसे तो यह झरना अफ्रीका के जिम्बाब्वे में स्थित है, लेकिन जाम्बिया के बॉर्डर पर होने के कारण इसको जाम्बिया से भी देखा जाता है। नंबर 8, नॉर्दर्न लाइट्स आइसलैंड। यदि आप ये सोचते हैं कि रात के समय आसमान केवल काला ही दिखाई देता है, तो यह आपकी गलत फहमी है। इस धरती पर कई ऐसी भी जगह है जहां रात में आसमान हरा, पीला और नारंगी कलर का दिखाई देता है। ये अद्भुत घटना नॉर्दर्न लाइट्स के नाम से जानी जाती है। इन लाइट्स को नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल पर देखा जा सकता है। ये लाइट्स आइसलैंड के अलावा नॉर्वे, स्वीडन, साइबेरिया, कनाडा और अलास्का में भी दिखाई देती है। पृथ्वी और सूर्य के वातावरण के कई प्रकार के कणों की टक्कर से ये लाइट्स दिखाई देती है। पृथ्वी के इस अद्भुत नजारे को देखने दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। नंबर 7, टी गार्डन हिल्स ऑफ मुन्नार, केरला। दोस्तों यदि आप ऐसा सोचते हैं कि केरल केवल मसालों के लिए फेमस है, तो आप एक बार मुन्नार विजिट करें, आपका यह भ्रम दूर हो जाएगा। यहाँ की हरियाली, इधर उधर बल खाती नदियाँ, नीलगिरी की घुमावदार पहाड़ियाँ और घाटियाँ हर किसी के मन को मोहित कर देती है। यहाँ के चाय के बागानों ने लोगों को आकर्षित करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है। साथ ही यहाँ पर ट्रैकिंग और माउंटेन बाइकिंग के भी मजे लिए जाते हैं। नंबर 6, सोलर डी उयुनी, बोलीविया। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसी ही एक जगह अमेरिका देश बोलीविया में है, जिसका नाम सोलर डी उयुनी है। इस शानदार जगह को पहचान दुनिया के सबसे बड़े नमक के झील वाले मैदान के रूप में मिली है। वैसे तो ये मैदान पूरी तरह से समतल है, लेकिन बारिश होने पर और पास की झील से पानी का बहाव होने पर ये मैदान एक बड़ी झील में बदल जाते हैं। इस दौरान नमक के मैदान के ऊपर पानी की पतली परत उसे एक बड़े आईने में बदल देती है, जिसके नीचे बादल भी चलते हुए दिखते हैं। उस वक्त का ये नजारा आपको ऐसा महसूस करवाता है कि मानो आप आसमान में बादलों के ऊपर खड़े हो और बादलों के ऊपर ही चल रहे हो। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए दुनिया भर से यहाँ काफी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, और जमीन और आसमान के इस मिलन को देखकर अपनी जिंदगी के इस पल को एक यादगार पल बनाते हैं। नंबर 5, प्लिटविक लेक, क्रोएशिया। दोस्तों आपने कई बार बर्फ गिरते हुए तो देखी होगी, ज्यादा ठंड के कारण पानी को जमा हुआ भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कलकल बहते हुए झरनों को बर्फ की तरह जमा हुआ देखा है? जी हाँ दोस्तों, प्रकृति ने हमें एक ऐसी झील दी है जिसमें झरना बहता हुआ नहीं बल्कि बर्फ से जमा हुआ दिखता है। ये अद्भुत जगह क्रोएशिया के नेशनल पार्क में बनी प्लिटविक लेक में देखने को मिलती है, और आपको ये सुनकर तो आश्चर्य होगा कि इस झरने के जमने की वजह ठंड नहीं है बल्कि लाइमस्टोन है। इस लाइमस्टोन फॉर्मेशन की वजह से ही यहाँ के वॉटरफॉल जमते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको वुडलैंड्स, झीलें, गुफाएं और झरने देखने को मिल जाएंगे। यहाँ कुल 16 झीलें हैं, जिसमें 12 झीलें सतह से थोड़ी ऊपर है जबकि 4 झीलें सतह से नीचे हैं। इन झीलों में कई प्रकार के खनिजों के कारण झील का पानी भी अलग अलग बदलता रहता है। नंबर 4,
ग्रैंड कैनियन यूएसए। दोस्तों अगर आप रहस्यपूर्ण जगह देखना पसंद करते हैं तो आपको एक बार ग्रैंड कैनियन जरूर जाना चाहिए। यह कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य से होकर बहने वाली नदी कोलोराडो की धारा से बनी एक तंग घाटी है। यह घाटी 446 किलोमीटर लंबी और 6000 फीट गहरी है। यह घाटी करीब 60 लाख साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ का तापमान 8 से 44 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह एक सुनसान घाटी है। यहाँ के पहाड़ों पर आपको रास्ता भी खुद ही बनाना पड़ता है और पानी भी खुद ही ढूंढना पड़ता है। नंबर 3, रेनबो माउंटेन चाइना। दोस्तों कुदरत के सभी रंग हमारी धरती के कोने कोने में बिखरे हुए हैं। कुछ जगह तो केवल खूबसूरती और सुकून देती है तो इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी होती है जिन्हें देखकर हमारी आंखें चकित रह जाती है। ऐसे ही नजारों में से एक है चीन में मौजूद सतरंगी पहाड़। आपने अभी तक पहाड़ों पर हरियाली या बर्फ ही देखी होगी, लेकिन इस पहाड़ को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी पेंटर ने इन पहाड़ पर अलग अलग रंगों से रंगकर पेंटिंग की हो। वैसे हमें रेनबो बारिश के दिनों में ही देखने को मिलती है, लेकिन इन पहाड़ों पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो रेनबो जैसे कलर देखने को मिलते हैं और इस वक्त इन पहाड़ों की सुंदरता और भी ज्यादा निखर कर आती है। 7 रंगों के दिखाई देने के कारण इन पहाड़ियों को सतरंगी पहाड़ या रेनबो माउंटेन के नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ियों को किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि इन पहाड़ियों के 7 रंग कुदरत का करिश्मा है। नंबर 2, मोराइन लेक कनाडा। कनाडा के अल्बर्टा में स्थित मोराइन झील दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। यहाँ बोटिंग करना जिंदगी के अद्भुत पलों में शामिल होता है। बनफ नेशनल पार्क में 10 पहाड़ियों से घिरी घाटी में स्थित इस झील में बोटिंग के दौरान चारों ओर के सीन बेहद सुंदर होते हैं। यहाँ आप बोट पर बैठकर घंटों तक प्राकृतिक खूबसूरती को निहार सकते हैं। इस झील की खास बात यह है कि यह हर एंगल से अलग दिखाई देती है, इसलिए देर तक बोटिंग करने के बाद भी आपका इसकी खूबसूरती से मन नहीं भरेगा। यह झील केवल गर्मियों में ही खुली रहती है क्योंकि सर्दियों में यहाँ बर्फ जमने के कारण इसको बंद कर दिया जाता है। नंबर 1, बोरा बोरा आइलैंड फ्रेंच पोलिनेशिया। दुनिया के बेहतरीन स्कूबा ड्राइविंग स्थलों में से एक बोरा बोरा आइलैंड फ्रेंच पोलिनेशिया में एक छोटा सा द्वीप है। इसके ओवरवाटर बंगले सबसे रोमांटिक किस्म के घर है। यह आइलैंड हर वेकेशनर्स का ड्रीम हॉलिडे स्पॉट में से एक है। बोरा बोरा आइलैंड में 100 से ज्यादा खूबसूरत बीच है। इसमें मैतिरा बीच दुनिया के टॉप 10 बीच में से एक है। यह आइलैंड करीब 40 लाख साल पहले एक ज्वालामुखी के फटने से बना था। पहले यह बहुत ही सुनसान हुआ करता था, लेकिन आज यह एक रोमांटिक आइलैंड बन चुका है। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अगर किसी महिला के बाएं कान पर फूल लगा हो तो इसका मतलब वह किसी के साथ रिलेशनशिप में है। अगर दाएं कान में फूल है तो इसका मतलब वह सिंगल है और आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। यह आइलैंड घने जंगल, नीली लैंगून, रोमांटिक मौसम, छोटे छोटे द्वीप, स्कूबा ड्राइविंग, जेट स्कीइंग और तैराकी जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए फेमस है। यहाँ घूमने लायक जगहों में मातिरा बीच, माउंट ओटेमेनू, बोरा बोरा लंगूनरियन, माउंट पहिया, बोरा बोरा कछुआ केंद्र, टूपी पॉइंट, तेंदुआ किरणें खाई आदि फेमस है। तो दोस्तों ये थी विश्व की 10 सबसे खूबसूरत जगह जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। जय हिंद, जय भारत।